और ये फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे दोनों का ही प्रोजेक्टर्स को ऑन कर लिया है। एक है फ्रेंड्स यहाँ पे N160, दूसरी है यहाँ पे MT15। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हमारे सामने यहाँ पे दो बाइक्स प्रेजेंट है। एक है बजाज की यहाँ पे N160, बिल्कुल ही न्यू मॉडल है फ्रेंड्स, ये 2022 वाला वेरिएंट है, और इस साइड में यामाहा की MT15। तो दोनों बाइक्स का फ्रेंड्स आपको हम अभी एग्जॉस्ट नोट का कंपैरिजन देने वाले हैं, और दोनों बाइक्स का ही फ्रेंड्स आपको लाइटिंग सेटअप का भी डिफरेंस दिखाएंगे। अभी थोड़ा शाम हो चुका है तो अच्छे से आइडिया लग जाएगा। दोनों में ही LED में प्रोजेक्टर लाइट्स मिलता है, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि दोनों के लाइटिंग सेटअप को कंपेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। तो दोनों ही बाइक्स देखा जाए फ्रेंड्स तो 155cc एक है और एक फ्रेंड्स 160cc सेगमेंट की ऑफरिंग है, और दोनों ही यहाँ पे काफ़ी मतलब एक दूसरे से कम्पीट भी करती है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं दोनों के लुक्स को तो काफ़ी अच्छे लुक्स में आ जाती है दोनों ही बाइक्स। तो सबसे पहले आपको हम MT15 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना देते हैं, उसके बाद आपको हम N160 का सुनाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे MT15 का एग्जॉस्ट नोट, और अब हम चलते हैं N160 की तरफ, इसका भी एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे N160 का एग्जॉस्ट नोट। तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको एग्जॉस्ट नोट ज्यादा अच्छा किसका लगा है, N160 का या फिर MT15 का। तो फ्रेंड्स दोनों ही यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ऑफरिंग आपको मिल जाती है, एक यामा के तरफ से एक बजाज के तरफ से है। और अगर हम बात करते हैं दोनों के लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो लाइटिंग सेटअप आप यहाँ पे देख लीजिए। MT का जो लाइट है फ्रेंड्स वो मतलब की ऑन करते के साथ ही ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रहा है कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर आपको कंपनी LED में DRLs भी प्रोवाइड कर रही है। बट इसका जो लाइट्स है वो फ्रेंड्स बाइक ऑन होने के बाद ही ये ऑन होता है, तो इसे भी हम ऑन कर लेते हैं। तो आप इसके लाइट्स को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई प्रोजेक्टर जो है वो इसका ऑफ है, उसे भी ऑन कर लेते हैं। और ये फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे दोनों का ही प्रोजेक्टर्स को ऑन कर लिया है। एक है फ्रेंड्स यहाँ पे N160, दूसरी है यहाँ पे MT15। तो अगर आप दोनों के यहाँ पे फ्रेंड्स लाइटिंग सेटअप के डिफरेंस को देखेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे दोनों बाइक्स फ्रेंड्स से मतलब काफ़ी सिमिलर लगती है। इसका जो प्रोजेक्टर है फ्रेंड्स N160 का वो बिग है साइज़ में, अगर MT15 के कंपैरिजन में आप देखते हैं तो। और इसका जो फ्रेंड्स यहाँ पे DRLs मिल रहा है, और ये फ्रेंड्स काफ़ी मतलब छोटा है अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसके कंपैरिजन में तो। तो अगर हम लाइट के थ्रो की बात करते हैं तो दोनों का ही फ्रेंड्स आप थ्रो भी देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप का, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थ्रो मिल जाता है। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो अंधेरा हो नहीं पाया है, इसलिए अभी यहाँ पे अच्छे से जज करना थोड़ा मुश्किल है। बट आप आइडिया लगा सकते हैं कि लुक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे कैसा जो है वो मिल रहा है लाइट्स। ये फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा बिग लगता है उसका प्रोजेक्टर्स इसके कंपेरिजन में, और ये फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा लगता है। तो एक प्रॉपर फ्रेंड्स अगर आपको कंपेरिजन चाहिए नाइट के टाइम पर तो वो भी आपके लिए हम ले आएंगे। आज के इस वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।